Hello. Hello. My name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagong. मेरा सवाल पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो आई रिक्वेस्ट द साउंड पीपल प्लीज, मेरी दरख्वास्त है साउंड वाले से साउंड जरा क्लियर कीजिए, प्लीज सी टू इट दैट द माइक्रोफोन इज क्लियर. आई रिक्वेस्ट द साउंड टेक्नीशियंस टू सी टू इट दैट द माइक्रोफोन इज क्लियर इंक्लूडिंग माय मॉनिटर स्पीकर. भाई साहब आप जरा सवाल दोहरा सकते और आस्ते और जरा जोर से. अगर अल्लाह एक ही है ना तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मैं वो क्यों हिंदू बना? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं तुम्हें मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है. दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है. मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह भगवान ईश्वर अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है. जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम. तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है वो पैदा होता है मुसलमान जैसा. उसके बाद उसके वालदेन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं. अगर सही चीज सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है. हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे. इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम जो गलत है, अंग्रेजी में कहते कन्वर्ट. कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग. सही लव्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालदेन उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस, सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट. अक्सर हम कहते नव मुस्लिम जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है. सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट. और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया. हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालदेन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते. आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता हो सकता है कि मैं मुसलमान होता. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट ये वो टेस्ट वो होता है क्या, टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है. जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है. तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद. उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते. और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा बिल्कुल गलत है. सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है. जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए. हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है. तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में जाएगा, जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है वो जन्नत में नहीं जाएगा.
लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातीना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबैनना अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़े हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पे अमल करना जरूरी नहीं। वो सोचने लग गया, वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालदेन मुझे जायदाद से दखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीजें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन के ऊपर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन आखिरत के दिन अगर आप कहेंगे कि मेरे वालदेन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वादे कर देता है हक क्या है। और वादे करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वादे किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे क्या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। आप तो अल्लाह तो वादे कर दिया किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको, और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको, तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो तो है। आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? पर कौन सा खुदा है वो पता नहीं। नहीं नहीं, मूर्ति पूजा सही है क्या गलत है आपके हिसाब से? अब जब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से सही हो सकता। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा सही है, मैं आपको आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूं, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्रा नंबर 1 एकम एविदित्यम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेता सेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न कदिपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, मतलब ईश्वर का भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेता सेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं। अक्ष प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्ष, खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और ये पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, इसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की
कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। अगर आप किसी ऐसे शख्स की मिसाल दें जिस तक तो सारी जिंदगी दीने इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंची, तो मैं आपकी बात से 100% यानी 100% मुत्तफिक होगा। लेकिन आपके पास तो अल्लाह तबारक तआला ने अपनी वहदानियत और अपनी तौहीद का प्रचार मेरे जरिए करवा दिया। मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह पाक की ज़ात एक है, खुदाए बुजुर्गो बरतर वहदहु ला शरीक है, और अल्लाह तबारक तआला के सिवा और कोई माबूद नहीं। और मैंने आपको बाज़ाब्ता मुख्तलिफ मिसालों के जरिए भी ये समझा दिया कि ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको अभी भी ये बात समझ ना आए तो आप बरोज़ क़यामत किसी को भी इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आप तक हक की तालीम नहीं पहुँची थी। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने जब इस लड़के से ये बातें कहीं तो वो लड़का थोड़ा सा हिचकिचा गया, और उसने जो ये बात कही थी कि वो एक हिंदू घराने में पैदा हुआ है इसलिए उसको हिंदुइज्म की सारी बातें ही दुरुस्त लगती हैं, ये बातें भी थोड़ी बहुत लड़खड़ाने लगी। यहीं से डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने उसको दोबारा पकड़ा और उसे मजीद आगे ले गए और कहने लगे कि अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम एक ऐसे हिंदू घराने में पैदा हुए हो जिसे तुम्हारे मुताबिक बहुत ही इंतहा पसंद हिंदू घराना कहा जा सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे दीन इस्लाम में आकर अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत और खुदाए बुजुर्गो बरतर को एक माबूद मानकर अपनी आखिरत संवार सकते हो, और अगर तुम चाहो तो इन चीज़ों से रूगरदानी करके अपने लिए किसी भी किस्म का अजाब तैयार करवा सकते हो। ये मुकम्मल तौर पर तुम पर मुनहसर है कि तुम क्या चाहते हो। वो लड़का बिल्कुल कन्फ्यूज़ था, यानी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूँ। उसने आगे से कहा कि मेरा मजहब जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ उसके अंदर तो बुतों की पूजा करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि बुतों की पूजा करना गलत है। डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने कहा, देखो अगर तुम्हारा मजहब ये कहता है कि बुतों की पूजा करनी दुरुस्त है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपना मजहब पढ़ा ही नहीं। तुम अपने मजहब को खुद भी पढ़ो, और जो पादरी या जो भी शख्स तुम्हें तुम्हारे मजहब की तालीमात देता है उसे भी कहो कि वो तुम्हारे मजहब को पढ़े। तुम्हारे मजहब की चातुपरिषद की किताबों के अंदर मुख्तलिफ आयात हैं, मुख्तलिफ ऐसी तहरीरें हैं जिनके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि एक खुदा है और उसी की पूजा करना यानी उसी के ही इबादत करना जो है वो तुम सब पर फ़र्ज़ है। अब मैं तुम्हें बारी बारी बताता हूँ कि तुम्हारी किताब में क्या क्या लिखा है। तुम्हारी ही मजहबी किताबों के अंदर ये तहरीर है कि अल्लाह ताला एक है। तुम लोगों ने यह लिखा है कि ईश्वर एक है, यानी ईश्वर तुम लोग अपनी ज़बान में खुदा को कहते हो, और खुदाए वहदहु ला शरीक एक ही है जिसका नाम अल्लाह है। तो अल्लाह ताला एक है, ये तुम्हारी किताब से भी जो है वो प्रूफ है। फिर ये भी लिखा है तुम्हारी किताबों के अंदर कि अल्लाह तबारक व ताला को ना किसी ने पैदा किया और ना उसने किसी और को जन्म दिया, यानी ना खुदा को किसी ने जन्म दिया और ना खुदा ने किसी को जन्म दिया। ठीक है, अब इससे पता क्या चलता है कि तुम लोगों के किस्से कहानियों में जितने भी ईश्वर हैं, राम हैं, आगे से तुम लोग उनके बच्चों की बातें करना शुरू कर देते हो, वो सारे कोई एक भी उनमें से खुदा नहीं है नऊज़ बिल्ला, वो सारे के सारे आम इंसान थे। और इन इंसानों में से हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इस चीज़ की तौफीक दी हो और इस चीज़ के लिए पैदा किया हो कि वो अपनी उम्मत को, अपने लोगों को हक के रास्ते पर चलाएं। अब अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो पैदा फरमाने से लेकर आज तक लगातार उसकी काउंसलिंग के लिए, यानी कि उसे बताने के लिए, उसे सिखाने के लिए मुख्तलिफ अंबिया को इस दुनिया में भेजा। जैसे जैसे ये अंबिया दुनिया में आए, इन अंबिया ने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से ये हर चीज़ को एक दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर लेकर चलें और मामलात बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ें और अल्टीमेटली तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जिसकी तुम कभी ख्वाहिश करते हो या दुआ मांगते हो। अब अल्लाह पाक की ज़ात ने इस तरीके से सबके लिए आसानी पैदा कर दी। अब जो शख्स तो इस आसानी को हासिल करना चाहे वो कर ले, और जो इससे दूर भागना चाहे वो दूर भागे। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हमें ओपन एंड दे दिया है, खुला रास्ता अता कर दिया। इसी तरीके से तुम्हारी अपनी मजहब की किताबों के अंदर ये भी तहरीर है कि अगर कोई शख्स जो है वो इस तलाश में निकले कि खुदा की कोई तस्वीर है या कोई मूर्ति है, कोई चीज़ है, तो उस बंदे को निकल जाना चाहिए तलाश में ताकि वो ये जान सके कि खुदा की ना तो कोई तस्वीर है, ना उसकी कोई मूर्ति है, और ना उसे किसी ने देखा है। यानी कि ये जो तुम लोग मूर्तियां बना के बैठे हुए हो, तुम लोग ये जो बुत बना के बैठते हो और फिर बाद में इनकी पूजा पाठ करते रहते हो, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हकीकत नहीं है, दुनिया में मौजूद ही नहीं है, किसी ने खुदा के अवतार को देखा ही नहीं है। तो ये भी यहाँ पर जो है वो आकर बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या तुम ये बात मानते हो कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात एक है और बुतों की पूजा गलत है? तो उस लड़के ने कहा, हाँ मैं ये मानता हूँ। फिर उस लड़के ने सवाल किया कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक, मुझे आप ये बताइए कि इंसान जो है इसको तो शैतान ही भड़काता है, शैतान ही बहकाता है, तो अगर मैं दीन इस्लाम में दाखिल हो गया और शैतान ने मुझे बहकाया
और मैंने गलतियाँ की तो क्या मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, जबकि अभी तो मैं गैर मुस्लिम हूँ तो मेरे नज़दीक तो सज़ा और गुनाह का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कोई गुनाह करते हो तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे इस गुनाह को उस वक्त मुआफ़ कर देती है जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करते हो। जब तुम तौबा करते हो तो अल्लाह पाक की ज़ात तुम्हारी इस तौबा को कबूल करती है और इसे शर्फ़ कबूलियत अता करके तुम्हें मुआफ़ कर देती है। अगर तुम अपने गुनाहों पर पशेमान हो और लगातार खाले के हकीकी से तुम माफ़ी तलब करते हो, माफ़ी चाहते हो, तो अल्लाह पाक की ज़ात तुम्हें मुआफ़ कर देती है और तुम्हें आसानियाँ अता करती है कि तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हालात को लेकर चलो और अल्लाह तबारक तआला की लगातार जो है वो तुम हमदो सना करते रहो। जब ये बात कही तो उस लड़के ने ये कहा कि ठीक है, मैं आपकी भी बात मानता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि सिर्फ इतनी बात मान लेना काफ़ी नहीं, अल्लाह तबारक तआला के दीन में आने के लिए, दीन बरहक में आने के लिए दो चीज़ों पर ईमान होना तुम्हारे कलमे की बुनियाद है। पहला तो ये कि अल्लाह तबारक तआला को एक मानना, उसके बाद सरकार दो आलम शफी मौज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी मानना। यानी कि तुम लोग अपनी किताबें पढ़ो तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा हुआ है, ये तहरीर हुआ है कि एक ऐसा नबी आएगा जिस नबी के आने के बाद इस पूरी दुनिया, वो अवतार होगा जिस अवतार के पास तमाम इन्फॉर्मेशन होगी, उसके आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तुम लोग बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकोगे, चीज़ें तुम्हारी बेहतर हो जाएंगी और वो ज़ात बिला शुबा बग़ैर किसी शक व शुबे के अल्लाह तबारक तआला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तुम्हारी किताबों के मुताबिक उसमें यह लिखा है कि उनके चार दोस्त होंगे। अब देखें खुलफाए राशिदीन चार दोस्त सरकार के, उनकी जो उनके जो वालिदैन हैं, ठीक है, वो अपने इलाके के सरदार होंगे, आप कुरैश के सरदारों के घर पैदा हुए, उनके बाप का नाम विष्णु होगा यानी कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह का खिदमतगार, सरकार के वालिद का नाम अब्दुल्ला है यानी अल्लाह का बंदा खिदमतगार, तो यानी इस तरीके से सरकार जो है वो सच्चे नबी साबित होते हैं। तुम इन दोनों चीज़ों पर अगर तो ईमान ले आओ और सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी तौबा को शर्फ़ कबूलियत अता करके तुम्हें दीन इस्लाम में दाखिल कर देंगे।